अंकल ये लीजिए चाय। अरे सोफिया बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल आप कौन और आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे बेटा मैं तेरा चाचा, पहचाना नहीं मुझे? चाचू लेकिन मैंने तो आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। अरे बेटा तेरे पापा और मैं ना बचपन के दोस्त हैं, हमने साथ में स्कूल और कॉलेज किया है, लेकिन वक्त और हालात कुछ ऐसे हो गए ना बेटा कि मुझे इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा तो एक मिनट रुक, मैं बाहर आता हूँ। लेकिन सोफिया बेटा तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम तो स्कूल जाते थे बेटा, ये उम्र तो तुम्हारी पढ़ने की है और तुम चाय बेच रहे हो। अंकल मैं स्कूल जाती थी लेकिन फीस जमा न होने के कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन तुम्हारे पापा का तो अच्छा खासा बिजनेस था, वो सब क्या हुआ? अंकल 8 महीने पहले ना मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और उनके दोनों पैरों में चोट लग गई, जब से हम ये सब काम कर रहे हैं। और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी वो जो पड़ोस वाले राकेश अंकल है ना, वो उनके साथ चली गई और पापा कहते हैं कि वो कभी वापस नहीं आई है। बेटा अब तो टेंशन मत ले, अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। सैम तुम ये किस भिखारन के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो इधर से। सताक्षी जबान संभाल कर बात करो, ये मेरे दोस्त की बेटी है। ये गरीब चाय वाली तुम्हारी दोस्त की बेटी कब से हो गई? सताक्षी बस, और ये अपनी मर्जी से अपनी खुशी से चाय नहीं बेच रही, ये भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई करती थी, इसके पापा ने इसके बारे में मुझे सब कुछ बताया, लेकिन देखो इनके साथ इतना सब कुछ हो गया तब जाकर ये इन हालातों में है, और तुम इसको भिखारन बोल रहे हो। बेटा तुम इसकी बातों को ना बुरा मत मानना। सोफिया पापा आ गए मेरे पापा। सुशांत सैम भाई तू यहाँ कैसे, तू इंडिया वापस कब आया? मैं तो पिछले हफ्ते लौटा हूँ, और तू भाई तेरे साथ ये सब कैसे हो गया? अरे भाई छोड़ ना, जाने दे, तू बता कैसा है? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुझे ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे जानना है क्या हुआ और तू इन सब हालातों में कैसे? बहुत लंबी कहानी है सैम, तुझे कभी और बताऊंगा। मुझे जानना है सुशांत क्या हुआ, और मुझे बच्ची ने बताया कि भाभी भी छोड़कर चली गई। हाँ यार मैंने तुझे कई बार कॉल ट्राई किया था लेकिन तेरा नंबर लगा ही नहीं, तेरा इंडिया का नंबर था मेरे पास शायद इसीलिए। अभी कुछ महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसी में मेरी एक टांग पैरालाइज हो गई, और मेरी बीबी इसकी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया। लेकिन भाभी तो तुझसे बहुत प्यार करती थी और तेरी तो लव मैरिज थी, फिर ये सब क्यों किया? प्यार भाई मुझे भी यही लगता था कि मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अभी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और 6 महीने में बेड रेस्ट था, तब मुझे समझ में आया कि वो मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती है। तुझे पता है उसने क्या किया? मेरा कलीग था ना राकेश, उसके साथ मिलके उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। उसने मुझसे बोला कि हॉस्पिटल के बिल है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, इस पे साइन कर दो। मैं उस पे इतना भरोसा करता था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, और उसने सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे मुझसे साइन करवा लिए। उसके बाद मैं कंगाल हो गया, फीस ना भर पाने की वजह से इसे भी स्कूल वालों ने निकाल दिया। अब कैसे ना कैसे मुझे मेरा और मेरी बच्ची का पेट तो पालना ही था ना, इसलिए मैंने ये चाय का काम स्टार्ट कर लिया, क्योंकि एक विकलांग आदमी को कोई काम भी तो नहीं देता ना मेरे भाई। लेकिन जो भी है सुशांत, तू जाकर मेरी फैमिली से भी मेरा नंबर ले सकता था, तुझे एटलीस्ट मुझे एक बार इन्फॉर्म तो करना था। चल मान भी ले मैं तुझे कॉल करता, क्या बताता तुझे? अरे जब मेरी खुद की बीवी मुझे छोड़ के चली गई तो तुझसे क्या ही उम्मीद करता मेरे भाई। सुशांत तुझे लगता है कि लोग बाहर जाकर बदल जाते होंगे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, और तू मेरा भाई है। अच्छा तू ना अब टेंशन मत ले, अब ना सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूँ ना, और अब तेरी बच्ची भी अच्छे स्कूल में पढ़ेगी। सैम तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, अब ये लंगड़ा और ये चाय वाली हमारे साथ चलेंगे। सताक्षी जबान संभाल कर बात करो, और तुम इसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं आज जो भी हूँ ना वो सब इसकी वजह से हूँ। तुम्हें पता है जब मुझे कनाडा पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिली तो मेरे माँ बाप ने पता है क्या बोला कि जो पढ़ाई करनी है वो इंडिया में ही रहकर करो। जब मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया ना, तब इस इंसान ने मुझे सपोर्ट किया कि भाई तू जाकर पढ़ाई कर। और तुम्हें पता है मेरे पास टिकट और वीज़ा तक के पैसे नहीं थे, इसने मुझे वो पैसे दिए, और आज मैं जो हूँ ना वो इसकी वजह से हूँ। और
तुम क्या चाहते हो कि इसके बुरे हालातों में मैं इसका साथ छोड़ दूं? नहीं सताक्षी। अरे सैम छोड़ ना, जाने देना, अब इन सब बातों का क्या मतलब। और भाभी ठीक ही तो कह रही है, मैं कहां तेरी कंपनी चला पाऊंगा। सुशांत तू ये बात बोल रहा है कि तू मेरी कंपनी में कैसे काम करेगा? तू ना कॉलेज का टॉपर था और मुझे पता है कि तू कैसा है, और बाकी तुझे कंपनी चलाने क्या जरूरत है। अरे हम दोनों कंपनी मिलकर साथ चलाएंगे, और तू तू चल मेरे साथ।